हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर नंबर 34। तो देखें, पिछले लेक्चर में बच्चों हम अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी पढ़ चुके थे। कौन सी? अपवर्ती। डेट इज रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी आज का टॉपिक ये रहेगा बच्चों, दैट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ें। तो इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्या जरूरत पड़ी हमें परावर्तक दूरदर्शी बनाने की? इस बात को पहले क्लियर करते हैं कि ये हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कि हमने अपवर्ती दूरदर्शी पढ़ी थी बच्चों। तो उस समय हमने ये बताया था, इसका जो मेन स्ट्रक्चर है, मूल संरचना इसकी, कि एक बड़े द्वारक का और बड़ी फोकस दूरी का, एक उत्तल लेंस, एक नली, खोखली नली के एक सिरे पर लगा रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिदृश्यक। दैट इज ऑब्जेक्टिव। और इस नली के अंदर एक नेत्रिका लगी रहती है, एक नली और लगी रहती है पतली कम व्यास की, जिसमें एक सिरे पर ये लेंस है, इसको हम नेत्रिका कहते हैं, आईपीस। संक्षेप में बात करेंगे बच्चों। आप कहेंगे कि सर हमें ये कई बार पढ़ा चुके हो, लेकिन बच्चों हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसकी अभी वजह बताएंगे। और इस नली को, इस नली के अंदर रैक एंड पिनियन मेथड से, दंड चक्री व्यवस्था से आगे पीछे खिसका सकते हैं, इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदल सकते हैं बच्चों। तो अपवर्ती दूरदर्शी में बच्चों हमने ये बताया था कि जो अभिदृश्यक है वो, उसका द्वारक जितना बड़ा लोगे, प्रतिबिंब की चमक, यानी दूरदर्शी क्या करती है बच्चों? बहुत दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को बड़ा करके दिखाती है, उसका दर्शन कोण बड़ा कर देती है आँख पर, जिससे हमें वो प्रतिबिंब बड़े रूप में स्पष्ट दिखाई दे। तो इस दूरदर्शी के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी हैं? कि प्रतिबिंब अधिक तीव्र बने, प्रतिबिंब की जो तीव्रता है, जो चमक है, वो बच्चों निर्भर करती है अभिदृश्यक के जो व्यास है, अदृश्यक का जो द्वारक है, उसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जितना बड़ा लेंस लेंगे आप, प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। और तीव्रता के साथ साथ एक चीज़ और मायने रखती है, जिसको कहते हैं विभेदन क्षमता। इसको आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ संक्षेप में बताएंगे। उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी कैसी होनी चाहिए? उच्च होनी चाहिए। ये भी किस पर डिपेंड करती है? विभेदन क्षमता भी अदृश्यक के द्वारक पर निर्भर करती है। द्वारक यानी व्यास, व्यास ही उसका द्वारक है बच्चों। यानी लेंस जितना बड़ा होगा, प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और उस दूरदर्शी की विभेदन क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। यहाँ संक्षेप में बताऊंगा बच्चों विभेदन क्षमता, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कि विभेदन क्षमता का अर्थ ये है कि बहुत पास पास अगर वस्तुएँ रखी हों तो उनको अलग अलग करके स्पष्ट रूप से दिखाना, वो विभेदन क्षमता को बिलोंग करता है। यानी जितना सेपरेट कर सकती है प्रतिबिंबों को कोई दूरदर्शी, जितना अधिक दूर बना सकती है उन प्रतिबिंबों को, जिससे कि हम उनको अलग अलग स्पष्ट रूप से उसका विश्लेषण कर सकें, उसी क्षमता को हम विभेदन क्षमता कहते हैं। तो इन दोनों बातों के लिए ये आवश्यक है
कि इसका द्वारक बड़ा हो। अब बच्चों तुम ये कहोगे, आप लोग ये सोच सकते हैं कि तो इसमें क्या समस्या है, लेंस को बहुत बड़ा बना लिया जाए। अब लेंस को बच्चों एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कठिनाइयाँ क्या क्या आती हैं लेंस को बड़ा करने में, एक सीमा तक ही बढ़ा सकते हैं लेंस को। कौन से लेंस की बात कर रहे हैं? अभिदर्शक की। बड़ा करने में कठिनाइयां क्या क्या हैं बच्चों? जो कठिनाइयां आएंगी उनमें सबसे पहली बात यह है बच्चों कि जब हम लेंस का द्वारक बड़ा करेंगे तो उसमें गोलीय प्रतिबिंब में गोलीय विपथन का दोष आता जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, प्रतिबिंब जो है वक्रता ले लेता है, क्योंकि मैंने बताया था कि जो प्रकाशिक केंद्र के नज़दीक मुख्य अक्ष के नज़दीक वाली किरणें हैं ये उपाक्षीय किरणें कहलाती हैं और किनारों वाली सीमांत किरणें कहलाती हैं। लेंस जितना बड़ा होगा इनमें अंतर उतना ही ज़्यादा होगा। ये किरणें अलग स्थान पर मिलती हैं, ये अलग स्थान पर मिलेंगी जाकर के, तो प्रतिबिंब विकृत हो जाता है, उस दोष को हम गोलीय विपथन का दोष कह देते हैं। तो लेंस जितना बड़ा होता जाएगा सीमांत किरणें उपाक्षीय किरणों से उतनी ही दूर बढ़ती चली जाएंगी और अलग अलग स्थानों पर मिलेंगी, जिससे गोलीय विपथन का दोष आएगा। लेंस को निश्चित सीमा से बड़ा बनाने में अन्य विकृतियां भी आ जाती हैं इस लेंस को बड़ा बनाने में, क्योंकि बच्चों लेंस जब बनाएंगे ये एक सॉलिड है, अंदर खोखला तो है नहीं, तो अंदर भी मटेरियल जब जाएगा तो लेंस में और डिस्टॉर्शन पैदा ना हो जाए, और विकृतियां लेंस में पैदा ना हो जाए, उनको बचा करके बड़ा लेंस बनाना बड़ा जटिल कार्य होता है। समझ रहे हैं बच्चों? तो लेंस को बनाने में कठिनाई आती है और लेंस को विकृति रहित बनाने में कठिनाई आएगी। विकृति रहित बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है बच्चों, बहुत महंगा पड़ता है, तो लेंस को विकृति रहित बनाना है तो ये एक बहुत बड़ी कठिनाई आ जाती है सामने। प्रतिबिंब में वर्ण विपथन का दोष आ जाएगा, ऐसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं जब लेंस के साइज को हम बड़ा करते हैं, इसीलिए हम एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते और उसकी विभेदन क्षमता को भी एक निश्चित सीमा से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और प्रतिबिंब में वो दोष उत्पन्न न हो जाए इसलिए हमारे सामने इस लेंस को एक सीमा से ज़्यादा बड़ा करने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए अपवर्ती दूरदर्शी की एक लिमिट हो जाती है, विभेदन क्षमता की एक सीमा आ जाती है, एक लिमिट तक हम पहुंच जाते हैं। तो अब बात ये आ रही है बच्चों, एक कारण और है इस द्वारक जितना बड़ा होगा, अनंत से प्रकाश आ रहा है उस वस्तु से जिस वस्तु को हम देख रहे हैं, तो जितना ज़्यादा बढ़ा लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रकाश आएगा, प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा तीव्र बनेगा, इसीलिए इसका द्वारक बढ़ा लिया था। वो बात यहाँ से क्लियर हो रही है। नेत्रिका का द्वारक छोटा क्यों रखा था? कि इस अभिदृश्यक से फोकसित होने वाली किरणें जब प्रतिबिंब बनाएंगी तो अधिकांश मतलब सभी किरणें हमारी आँख तक पहुँचें, सभी किरणें हमारी आँख तक, क्योंकि यहाँ आँख होगी बच्चों हमारी, इसलिए इसका द्वारक छोटा कर दिया कि द्वारक छोटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किरणें अधिकांश किरणें हमारी आँख पर पहुँचें और रेटिना को प्रभावित करें और प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई दे। तो बच्चों अब तक जो सबसे बड़ी अपवर्ती दूरदर्शी है उसका जो अभिदृश्यक है वो 40 इंच का है बच्चों, सबसे बड़ा अपवर्ती दूरदर्शी 40 इंच का है। इससे बड़ा लेंस बनाने में फिर बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं, ये दोष उत्पन्न होने लगते हैं। तो
तो 40 इंच का मतलब बच्चों 1.02 मीटर के लगभग हो गया। और ये जो दूरदर्शी है कहाँ पर रखा है बच्चों, किसके पास है? संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। तो बच्चों लिमिटेशंस आ गई। अब हम इस समस्या से बचने के लिए कि हम लेंस को इतने साइज से बड़ा नहीं बना पा रहे हैं और विभेदन क्षमता नहीं बढ़ा पा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा प्रकाश इसमें आए और ज़्यादा विभेदन क्षमता का हम दूरदर्शी बना सकें, तो बच्चों अभिदृश्यक, इस अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक जो था उत्तल लेंस था। अब इस उत्तल लेंस की जगह हम प्रयुक्त करेंगे दर्पण, तो वो क्या बन जाएगा? परावर्तक दूरदर्शी। इसीलिए परावर्तक दूरदर्शी बच्चों बनाया गया। बात समझ में आ रही है कि इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमने यहाँ पर बता दिया। अब स्टार्ट करेंगे परावर्तक दूरदर्शी। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। और अब ये तो समझ में आ गया है कि परावर्तक दूरदर्शी क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसे हटाता हूँ। हाँ तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ने जा रहे हैं? परावर्तक दूरदर्शी। तो इसमें अभिदृश्यक जो होगा, परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्यक बच्चों लेंस के स्थान पर दर्पण होगा। अभिदृश्यक कौन होगा? दर्पण। और इसका सिद्धांत ठीक वैसे ही रहेगा जैसे अपवर्ती दूरदर्शी कार्य करती थी, बस अंतर क्या हो गया कि अभिदृश्यक उत्तल लेंस के स्थान पर दर्पण के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। उसमें दर्पण प्रयुक्त करेंगे और दर्पण में रिफ्लेक्शन की क्रिया होती है, परावर्तन होता है, इसलिए इसको हम परावर्तक दूरदर्शी कहेंगे। तो बच्चों इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब, वो दर्पण के सामने ही बनेगा। अब उस प्रतिबिंब को एक नेत्रिका से देखते हैं। अब नेत्रिका से देखने के तरीके अलग अलग होते हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। उस देखने के तरीके के आधार पर ही परावर्तक दूरदर्शी भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती हैं। सिद्धांत सबका एक सा ही है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण के तौर पर दो प्रकार के दूरदर्शी पढ़ लेते हैं। तो पहला पढ़ते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो अलग हेडिंग है बच्चों, यानी न्यूटोनियन परावर्ती दूरदर्शी। देखो बच्चों सबसे पहले परावर्ती दूरदर्शी न्यूटन ने बनाई थी, इसलिए इनके नाम पर ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस दूरदर्शी का नाम न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप रखा गया है। और ये बनाई थी इन्होंने सन 1668 ईस्वी में। तो न्यूटन ने बनाई थी इसलिए न्यूटन के नाम पर। ये रिफ्लेक्टिंग टाइप ही है, मैंने भी बताया था कि प्रतिबिंब को देखने के तरीकों के आधार पर साइंटिस्ट ने जैसे टेलीस्कोप बनाए उन्हीं के नाम पर उनके नाम रखे गए हैं। अभी एक और पढ़ेंगे कैसग्रेन दूरदर्शी। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप किस तरीके से कार्य करती है बच्चों। तो इसमें देखें एक अभिदृश्यक कौन होगा बच्चों? परवलयाकार, इसमें, इस वाली दूरदर्शी में अभिदृश्यक होगा परवलयाकार अवतल दर्पण। अभी मैं चित्र से समझाऊंगा, आपकी समझ में आ जाएगी। जैसे देखें बच्चों ये मैंने बनाया अवतल दर्पण, बहुत बड़े द्वार का है ये,
बाद में बताएंगे, ये बहुत बड़े परवलयाकार दर्पण हैं जो आज संसार में सबसे बड़ा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। उसका जो द्वारक है वो 10 मीटर है बच्चों, 10 मीटर व्यास का अवतल दर्पण है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो अभी चलिए, सबसे बड़ा जो परावर्तक दूरदर्शी है उसकी बात हो रही थी, अभी हम ये पढ़ लेते हैं ये इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखो, वस्तु अनंत पर है, वहाँ से किरणें आएंगी, समांतर किरणें आएंगी बच्चों। ठीक है, अब ये दर्पण इन किरणों को, अवतल दर्पण है, क्या करेगा, कन्वर्स करेगा, इकट्ठा करेगा। तो जैसे ये किरण मुड़ गई इधर, ठीक है, ये किरण मुड़ गई इधर, और डॉट डॉट करके बना देते, और यहाँ बीच में ही एक समतल दर्पण लगा होगा बच्चों। ये द्वितीयक दर्पण है, समतल दर्पण। इसके आगे डॉट डॉट बनाना चाहिए क्योंकि किरणें यहीं टकरा गई बच्चों। अगर ये दर्पण नहीं होता तो यहाँ जा रही होती, ये उनकी केवल डायरेक्शन बनाई है, वहाँ जा नहीं रही हैं। इतना तो समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक, ये समतल दर्पण मैंने बनाया है M। अब इस समतल दर्पण से इन किरणों में रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। ठीक है, बात समझना। और यहां पर वस्तु से छोटा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब यहां बन गया। ठीक है, ये हमने प्रतिबिंब बना दिया। इसके आगे नेत्रिका होती है बच्चों, क्या होती है, नेत्रिका। तो यहीं बना लें, नेत्रिका में उत्तल लेंस होगा। अब ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगा। इस नेत्रिका को मैं ई डाल दूं, इस ई को और एम को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बना है ये इसके प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में आ जाए, क्योंकि जब प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में वस्तु होती है तो उसका वस्तु से बड़ा आभासी सीधा प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाता है। इसलिए हमने उसको, लेंस और दर्पण को, इस तरीके से एडजस्ट किया कि इसके फोकस के अंदर आ जाए ये। तो अब इसका प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। तो अब मुझे ऊपर जगह चाहिए, क्योंकि जब मैं इसका प्रतिबिंब बनाऊंगा तो ऊपर जगह चाहिए बच्चों। तो मैं एक काम करता हूँ, इस प्रतिबिंब को छोटा कर लूँ थोड़ा सा, मान लो ये बना है और ये उसकी अक्ष है जैसे। ठीक है, A1 B1। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे मैं ये हटा के जगह बना लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये हटा लेते हैं, ऊपर हेडिंग पड़ा रहने देते हैं, उम्मीद है कितने में आ जाएगा प्रतिबिंब। यहाँ तक बन जाना चाहिए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखें, अब ये फोकस के अंदर स्थित है, तो ये किरण बच्चों अपवर्तन के बाद मुड़ेंगी। मान लीजिए ये थोड़ा कम मोड़ी बच्चों, थोड़ी सी ज़्यादा मोड़ता हूँ, जैसे ये मुड़ गई। अब मैं इसको मोड़ता हूँ, ये मुड़ गई, आगे ये फैल गई, तो इधर तो मिलेंगी नहीं, पीछे मुझे डॉट 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 करके हटानी पड़ेंगी। तो मैं हटा के लाता हूँ बच्चों, दिस वन, क्लियर, इसको हटाता हूं। तो कहीं भी बना सकते हो बच्चों, जहां काटें वहां बन जाएगा। मैं यहां बना लेता हूं, यहां काट लेता हूं इस तरीके से। तो ये यहां पर काट गई, तो ये प्रतिबिंब बन गया।
अब बच्चों मैं पैमाने का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, स्केल तो है नहीं मेरे पास, तो ये प्रतिबिंब आ गया इसका A2 B2 अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कार्य करती है। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी, ये कर रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये द्वितीयक दर्पण, द्वितीयक समतल दर्पण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो अब एक दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो अब बच्चों चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पर, दूसरे परावर्तक दूरदर्शी। अभी हमने न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप पढ़ी थी जो न्यूटन ने बनाई थी, अब ऐसे ही पढ़ते हैं कैसेग्रेन। परावर्ती दूरदर्शी, इसका नाम भी बच्चों खोजकर्ता के नाम के आधार पर ही है जिन्होंने ये बनाई है कैसेग्रेन ने, तो इसलिए इसको हमने कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी कहा है। दैट इज CASE रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसकी बनावट समझ लें भाई, तो देखो जैसे एक नली है और यहाँ पर बच्चों एक अवतल दर्पण, कौन सा अवतल दर्पण लगा होता है, ये एक ट्यूब और इसमें लगी होगी बच्चों नेत्रिका। तो ये अवदृश्यक हुआ बच्चों, इस पर प्रकाश गिरेगा, इसमें बीच में छेद है, इस छेद में से एक नली गई है और इसमें ये नेत्रिका है बच्चों, आई पीस। ये नेत्रिका है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, अवदृश्यक दर्पण। अवदृश्यक और कौन सा है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण दिख रहा है बच्चों यहां पर। तो देखें अनंत बहुत दूर स्थित वस्तु से प्रकाश इस अवतल दर्पण पर आपतित होता है, ये दो किरणें हमने दिखा दी। अब बच्चों इसको फोकसित करने के लिए यहां पर एक उत्तल दर्पण और लगा रहता है, इस छिद्र के इस वाले अवतल दर्पण में जो मिडल में जो वृत्ताकार छेद है उसके सामने यहां पर लगा होगा एक उत्तल दर्पण, इससे रिफ्लेक्ट करके हम किरणों को फोकसित करते हैं। ये उत्तल दर्पण है तो पॉलिश अंदर की साइड होगी बच्चों, ठीक। ये किरणें क्या होंगी, अब यहाँ आएंगी और ये इनको कन्वर्ज करके कहाँ पहुँचा देगा, नेत्रिका में, और जहाँ पर मिल करके ये प्रतिबिंब बना देंगी जिस प्रतिबिंब को इस नेत्रिका की सहायता से देख लिया जाएगा बच्चों। तो है ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शी कहलाती है बच्चों। तो देखें हमने लेंस के बड़ा करने में जो जटिलताएं आ रही थीं, जो कठिनाइयां आ रही थीं, उनको हमने परावर्ती दूरदर्शी बना करके दूर कर लिया है, क्योंकि इसमें हम अब
दर्पण यूज़ कर रहे हैं और दर्पण से बने प्रतिबिंब में गोलीय विपथन और बड़ विपथन का दोष नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रकाश परावर्तित हो रहा है, टकरा रहा है और लेंस में से प्रकाश पार होके जाता है, तो वहाँ दोष उत्पन्न हो जाते हैं गोलीय विपथन के और किसके वर्ण विपथन जैसे दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन दोषों को यहाँ दूर कर लिया गया है। तो बच्चों मैं ये बता रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा जो इस समय टेलीस्कोप है रिफ्लेक्टिंग टाइप, उसका द्वारक 10 मीटर का है और इसका नाम है हवाई, और ये कहाँ स्थित है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो चलिए बच्चों, हमने इस चैप्टर को अब समाप्त कर लिया है लेक्चर नंबर 34 में। आप लोगों ने बड़ा धैर्य से इस चैप्टर को पढ़ा बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स अब स्टार्ट होगी, तो मैं 34 लेक्चर्स में इसको आप लोगों को पढ़ा पाया हूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकूँ। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये जो रे ऑप्टिक्स है वो भली भांति समझ में आ गई होगी, आप उसके कॉन्सेप्ट से समझ गए होंगे। तो अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों अगले लेक्चर से, यानी लेक्चर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 10 यानी वेव ऑप्टिक्स। तो बच्चों मन लगा के इस रे ऑप्टिक्स का पूरा सारांश लिखिए और उसका रिवीजन कीजिए और बड़े मन से इसको पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी स्कोप रखती है, इसका वेटेज काफ़ी है, काफ़ी कुछ आता है इस यूनिट से ऑप्टिक्स से। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।